हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई देख लीजिए, मैंने 14 इंच रखी है। शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच रखे हैं। आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच रखे हैं। ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर देते हैं। नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। दोनों मार्क को बिल्कुल बराबर करते एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब गले की लेंथ लेंगे। देख लीजिए, मैं गले की लंबाई 10.5 इंच रख रही हूँ। 10.5 पे मार्क करेंगे, बिल्कुल बराबर में लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब गले की डिज़ाइन का मार्क करेंगे तो 1 इंच का यहाँ से मार्किंग करते हैं और गले में गोलाई कर देते हैं। अब गले पे हम डिज़ाइन का मार्किंग करेंगे तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे डिज़ाइन का मार्क करें, इस तरीके से कर दीजिएगा। तो गले पे पूरा डिज़ाइन का मार्क, जैसे कि इसको हम एक बार डार्क कर देंगे, इस तरीके से हमें दूसरे साइड से भी मार्किंग आ जाएगी। तो मैंने डार्क कर दिया। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, दूसरे साइड से देखिए मार्क आ चुका है। इसको डार्क कर लेते हैं। ये दूसरे साइड से मैंने पूरा अच्छे तरीके से मार्किंग कर दिया। बस्तर को हम फैला लेंगे और ब्लाउज़ का कपड़ा ले लेते हैं साथ में। तो मैंने ये ब्लाउज़ का कपड़ा साथ में ले लिया है। अब इसके साथ में हमें बुकरम भी स्टिचिंग करना है। तो मैंने ये देख लीजिए बुकरम ले लिया, इसके साथ में बिल्कुल बराबर में फैला देते हैं। तो इसको हम नीचे के साइड से देखिए बुकरम को बराबर में फैला दिया। बीच से बिल्कुल हम इसको स्टिच कर देंगे तीनों को साथ में। एक सिलाई लगा के देखिए मैंने इन तीनों को साथ में स्टिचिंग कर दिया। अब डिज़ाइन पर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। जैसे मार्किंग किए सेम उसी जगह से पूरा स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए अच्छे तरीके से पूरा डिज़ाइन के ऊपर से मार्किंग कर दिया है, सॉरी स्टिचिंग कर दिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले में से उसको कट करके निकाल देते हैं। तो मैंने पूरे गले में से एक्स्ट्रा फैब्रिक देखिए कट करके निकाल दिया है। अब गले के जितने भी डिज़ाइन के कॉर्नर है सब में हम कट लगा देते हैं। तो मैंने देखिए सभी कॉर्नर में कट लगा दिए। अब इसको हम पलट कर सीधा करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे पलट कर सीधा करूँ, इस तरीके से पलट कर सीधा कीजिएगा। तो मैंने सभी डिज़ाइन को पलट कर सीधा कर दिया, देख लीजिए। इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जो भी कॉर्नर नीचे के साइड से बचा होगा इस तरीके से किसी भी चीज़ से थोड़ा प्रेस कर देंगे तो बाहर आ जाएगा। अब अच्छे तरीके से पूरा इस तरीके से मैंने देखिए पलट कर सीधा कर दिया है। ये मेरा गला देखिए कम्प्लीटली आ चुका है। इसके फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो एक सिलाई लगा के पूरे गले की हम फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने देखिए डिज़ाइन के ऊपर से पूरा सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिया। ब्लाउज़ की मॉल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर में रख देते हैं और एक सिलाई लगा के पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर देंगे।
दोस्तों मैंने पूरे ब्लाउज की कम्प्लीटली स्टिचिंग कर दी है। अब नीचे के साइड से ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे, अच्छे से माप लेते हैं, हम दोनों साइड से ट्रक्स की स्टिचिंग कर देते हैं। तो आप देख लीजिए मैं कैसे करें, ऐसे कर दीजिएगा। तो मैंने दोनों साइड से ट्रक्स को स्टिच कर दिया है, देख लीजिए। नीचे के साइड से फैब्रिक ज्वाइंट किए हैं, इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के साथ में इसको ज्वाइंट करते एक सिलाई लगा के इसकी पूरी स्टिचिंग कर देते हैं। तो मैंने अच्छे तरीके से पूरा देख के ब्लाउज की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। मेरा ब्लाउज स्टिच है, इस पर डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसको हम साइड करते हैं ब्लाउज को। तो मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए पट्टी ली, इसकी चौड़ाई मैंने 1.7 इंच रखा है। इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसकी एक पतली सी डोरी पूरी स्टिचिंग कर देते हैं। तो मैंने देखी डोरी को पूरा अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर दिया। इस डोरी को हम पलट कर सीधा करेंगे। तो देखिए मैं कैसे पलट कर सीधा कर रही हूँ, इस तरीके से नीडल की सहायता से डोरी को पलट कर सीधा कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने डोरी को पलट कर सीधा कर दिया है। अब इस डोरी को हम डिसाइड करते इसे डिज़ाइन करेंगे ब्लाउज पे। तो मैंने देख लीजिए ब्लाउज ले लिया है, ब्लाउज के गले पे इस डोरी से कैसे डिज़ाइन करेंगे आप वीडियो में देखिए। तो मैंने ये डोरी ले लिया है, डोरी को बिल्कुल बीच से ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा और इसके बीच से ही बिल्कुल सिलाई लगाते हम इसकी डिज़ाइन कर दे जाएंगे। तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे इसका डिज़ाइन कर रही हूँ, ऐसे कीजिएगा सेम। एक दूसरे से हम डोरी को क्रॉसिंग करते हुए डिज़ाइन को बना रहे हैं, ऐसे एक दूसरे से क्रॉसिंग करते हुए डिज़ाइन हम पूरे गले पे बनाएंगे। तो मैंने देखिए पूरे गले पे अच्छे तरीके से डोरी से पूरा डिज़ाइन बना दिया, इस तरीके से बना लीजिएगा। तो मेरे डिज़ाइन कंप्लीट है। अब इसको हमें थोड़ा सा डेकोरेट करना है, तो डेकोरेशन के लिए हम मोती का यूज़ करेंगे। तो मैंने ये मोती ले लिया है, ये मैंने रेड कलर की बड़ी वाली मोती ली है नीडल की सहायता से। हम देखिए इसको जो डोरी का डिज़ाइन बना है उसके मिड से स्टिचिंग कर रहे हैं, इस तरीके से पूरे जितने भी डिज़ाइन डोरी के बने हुए हैं सबके मिड से इस मोती को स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए पूरा मोती अच्छे तरीके से गले पे स्टिचिंग कर दिया है। मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।